अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको हर दिन गल्फ से जुड़ी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जितनी भी गल्फ कंट्री है वहाँ की करेंसी हमारे इंडिया में कितनी वैल्यू होती है, और कुछ फॉरेन कंट्री की करेंसी के बारे में बताऊँगा। तो मेरे साथ वीडियो बने रहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो एक थोड़ा नॉलेजफुल होने वाला है। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो गल्फ कंट्री 7 होती हैं, पर इसमें मैं 6 कंट्री के बारे में बताऊँ, क्योंकि एक है इराक। इराक तो लोग दोस्तों जाते नहीं, इसलिए इराक को मैं छोड़ दिया हूँ। तो पहला जो दोस्तों है वो कुवैत है, जिसमें कुवैत में वहाँ पैसे को कुवैती दिनार कहा जाता है, और एक कुवैती दिनार होता है 235.85 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला है यूएई, जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी भी आता है। इसमें वहाँ पे धीरम बोला जाता है, वहाँ एक धीरम होता है 19.50 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला है ओमान, जहाँ पे ओमानी रियाल कहा जाता है पैसे को, और एक ओमानी रियाल होता है 186.10 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला है सऊदी अरेबिया, जहाँ पे रियाल कहा जाता है पैसे को, और एक रियाल इक्वल टू होता है 19.01 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला जो कंट्री दोस्तों वह बहरीन, जिसमें वहाँ पे बहरानी दिनार कहा जाता है पैसे को, और एक बहरानी दिनार होता है 190 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला दोस्तों है जो है कतर, वहाँ पे कतरी रियाल कहा जाता है, वहाँ पे एक कतरी रियाल इक्वल टू होता है इंडिया में 19.67 रुपये इंडिया में पैसे हो जाते हैं। अगला है दोस्तों मलेशिया, वहाँ मलेशियन रिंगिट कहा जाता है, जो एक मलेशियन रिंगिट इक्वल टू होता है 17.08 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला है दोस्तों सिंगापुर, वहाँ पे सिंगापुर डॉलर कहा जाता है, जहाँ पे एक सिंगापुर डॉलर होता है 52.22 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। अगला है यूएस, जहाँ पे यूएस डॉलर कहा जाता है, वहाँ का 1 रुपये हो जाता है 71.65 रुपये इंडियन मनी के हिसाब से। दोस्तों, ये कुल 9 से 10 देशों के बारे में बताया हूँ, जहाँ पे वहाँ की करेंसी को इंडिया में कितना वैल्यू होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगेगी। ऐसा ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए, और गल्फ से रिलेटेड जानकारी के लिए, और गल्फ जॉब के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज़।